एक पर्सनल वाक़ हुआ अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे आ, किस तरह से शादी जो है वो टूटी थी एविडेंसेस बहुत सारी थी ये प्रूव करने के लिए कि जो आ, महिला है गलती उसकी है लेकिन बावजूद उसके जब भी लोगों को हम लोगों ने पूछा कि क्या करना चाहिए तो सब लोगों ने यही कहा कि कानून बहुत एक तरफा है सुनवाई महिला की ही होती है बहुत इंटरेस्टिंग नाम आपने रखा मैटर्स ऑफ मैरिज इसको रखने का पीछे क्योंकि मार्टर्स तो शहीदों को बोला जाता है जी मार्टर्स हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि शहीद है जो बॉर्डर पे अपनी जान देते हैं बट अगर आप इसका डेफिनेशन देखें तो मार्टर्स है किसी भी कॉज के लिए अगर इंसान अपनी बलि दे, दे दे तो शादी जो है वो हम सब लोगों के दिमाग में एक बहुत ही पवित्र बंधन है कोई भी सोचता नहीं है कि एक शादी की वजह से आपकी ज़िंदगी में इतना भूचाल आ जाएगा कि आपको मौत की कगार तक चल ले जाएगा ये कितना जरूरी है कि पुरुषों को अपने अधिकार पता डेढ़ सौ करोड़ की पॉपुलेशन में हमारा कानून ये मानता ही नहीं है कि पुरुषों के साथ भी घरेलू हिंसा हो सकती है जितने भी हमारे कानून हैं जो जेंडर स्पेसिफिक हैं वो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। आने वाले टाइम में जो हमारे बच्चे हैं खासकर जो लड़के हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है स्मृति मेरे पास बहुत सारे यंग लड़के भी मेरे को कांटेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि मैम हम लोग अगर किसी लड़की के साथ गलत होता है तो हम लोग बिल्कुल उसको कंडेम करते हैं पर मैम जब हम लोग के साथ गलत होता है तब क्यों नहीं कोई कंडेम करता लड़की ने डिच कर दिया आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते लड़की ने आपको डंप कर दिया आप कुछ नहीं कर सकते पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो आपके बच्चे ले गई आपको उनको देख देखा देखने भी नहीं दिया जा रहा है एक पुरुष के जो मेंटल हेल्थ है उसकी वेलबीइंग है आज किस आज के परिप्रेक्ष्य में वो इम्पैक्ट करती है अभी बॉम्बे में एक आदमी ने सुसाइड किया है लगभग 20 मिनट का सुसाइड वीडियो बना के छोड़ के गए हैं संदीप है उनका नाम 20 मिनट में इसने पूरा बताया है और उसमें एक स्पेसिफिक बात वो ये कहता है कि मुझे लग रहा है मेरा तो आदमी होना ही सबसे बड़ा गुना था सतासठ साल के आदमी जो बाईपास सर्जरी करा चुके हैं हार्ट पेशेंट है सीसीटीवी फुटेज अभी मेरे पास आई है उनकी विक्टिम की फैमिली से जिसमें वो लेडी जो है लिफ्ट में उनको तार-तार मार रही है इस बुजुर्ग को और इस जबरदस्ती में कि आप नहीं बोलोगे वो मैं जो मैं कह रही हूँ तो मैं आपके ऊपर रेप का केस लगा दूँगी जो अडल्ट्री है लिव इन रिलेशन्स है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है क्या उसके कारण पुरुषों के साथ गलत होना बढ़ गया 2023 में 310 मर्डर हुए आदमियों के जो उनकी पत्नियों ने करे अपने प्रेमी के साथ मिलके सवा दो सौ केसेज हैं पाँच सौ में से जहाँ पे अडल्ट्री की वजह से पत्नी की अडल्ट्री की वजह से पुरुष ने अपने आप को ख़त्म कर लिया आज के टाइम पे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे शादीशुदा लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और अदालत में जाके प्रोटेक्शन मांग रहे हैं शिखर धवन वाला पूरा केस आया फिर मोहम्मद शामी का केस आया तो अगर ऐसा होता है कि घर में एक वर्बल या फिज़िकल अब्यूज़ होता है सब पुरुषों को बोलते हैं कि भाई आपका अगर आप किसी भी दिक्कत में हैं तो आपका सबसे बड़ा साथी जो है वो एविडेंसेस हैं वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आती हैं जहाँ पे चाकू दिखा रही है वो कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगी हम लोग बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि वंस यू हैव सफिशेंट एविडेंस प्लीज़ मूव आउट नमस्कार जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ स्मृति रस्तोगी जागरण मंथन के इतने एपिसोड्स हो गए हैं और हमारा लगातार ये प्रयास है कि आपके सामने एक नया सब्जेक्ट लेकर हर बार हम आए और ये ऐसा सब्जेक्ट हो जिसके बारे में समाज में जो बातें हो रही हों क्लैरिटी हो करेक्ट इन्फॉर्मेशन जिस पर मेरा हमेशा जोर रहता है कि सही बातें सही ज्ञान ज्ञान बहुत है लेकिन सही ज्ञान लेकर के आपके सामने आए इस बार का सब्जेक्ट भी बिल्कुल अलग है आज हम बात करेंगे मैंस राइट्स के बारे में पुरुषों के अधिकारों को लेकर के आज हमारी चर्चा होगी और देश में एक नाम बहुत प्रोमिनेंट है जब हम मेंस राइट्स के बारे में बात करते हैं वो है दीपिका नारायण भारद्वाज दीपिका आपको बहुत बहुत स्वागत है जागरण मन थैंक यू सो मच स्प्रति थैंक यू सो मच बहुत सारे सवाल हैं आई एम श्योर ये सवाल आपने टाइम एंड अगेन फेस किए होंगे आंसर किया होगा इन सवालों को लेकिन एक जो बेसिक है क्योंकि हम अभी कुछ जैसा मैंने पहले भी बोला था शो से पहले भी एक मोमेंटम बनाते हैं हम शो का तो आमूमन लोग अगर ये जानना चाहें कि uh, क्यों पुरुषों की ही अधिकारों को लेकर क्यों के राइट्स को लेकर के ही आपने अपना ये कैंपेन या अपना ये मुहिम क्योंकि जनरली ये एडवोकेसी कोई करता नहीं अच्छा पुरुषों के भी कोई अधिकार हैं, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों को लेकर के हमेशा से इस समाज में चर्चा होती रही है तो वट यू टू टेक अप दिस इशू सबसे पहले तो धन्यवाद स्मृति इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए भी आ, क्योंकि ज्यादातर इन इशूज के ऊपर बात कोई करता नहीं है तो आपका धन्यवाद उसके लिए आ, मैंने कुछ ऐसा कोई क्रूसेडर बनने आ, का नहीं सोचा था या कोई आ, ऐसे पुरुषों के अधिकार के बारे में नहीं सोचा था टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने एक एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बस एक आ, शुरुआत की थी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की क्योंकि एक पर्सनल वाक़ हुआ अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे आ, किस तरह से शादी जो है वो टूटी थी आ, आ, किसी और कारण की वजह से लेकिन उसको डाउरी डौ, और डोमेस्टिक वायलेंस का चोला उड़ा दिया गया और क्योंकि अपने ही परिवार में वो वाक़ हुआ तो मुझे सारे के सारे फैक्ट्स पता थे एविडेंसेस बहुत सारी थी ये प्रूव करने के लिए कि जो आ, महिला है गलती उसकी है लेकिन बावजूद उसके जब भी लोगों को हम लोगों ने पूछा कि क्या करना चाहिए तो सब लोगों ने यही कहा कि कानून बहुत एक तरफा है सुनवाई महिला की ही होती है जिस भी तरह ले दे के आप अपने परिवार को बचाएं और तो हम मैंने मेरे को बड़ा अजीब लगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग इतने सारे हमारे पास एविडेंसेस हैं दिखाने के लिए कि डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस की तो कोई बात ही नहीं थी एक रुपया डाउरी का नहीं लिया गया बट फिर भी मतलब अच्छे खासे एडवोकेट से लेके रिटायर्ड जजेस तक भी जब बात की परिवार के जान पहचान वगैरह निकलवा के तब सब ने यही कहा कि मत पढ़िए उसमें आपके आठ दस साल जो हैं ख़त्म हो जाएंगे अपने आप को प्रूव करते करते और उसके बाद भी कुछ मिलेगा नहीं तो एक बड़ी टीस सी हुई पीड़ा सी हुई कि और आ, मेरे ऊपर भी ऐसे इल्ज़ाम लगे जो बिल्कुल झूठे थे तो एक आ, बड़ी शिकायत सी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है मतलब कानून है तो कानून को तो सच और झूठ के बारे में न्याय और अन्याय के बीच में अंतर करना चाहिए ये सिर्फ एक जेंडर की वजह से आप किसी इंसान को जो है आ, सही मान लें और दूसरी पार्टी को गलत मान लें तो वो तो बड़ा मुझे अजीब लगा कभी पता नहीं था कि ऐसे भी कानून है तो उसके बाद रिसर्च जब शुरू किया इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना शुरू किया क्योंकि आप पर्सनली जब किसी चीज़ से इम्पैक्ट आपको हो जाता है तो फिर देन यू वांट टू नो कि ये चीज़ क्या है और इसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं तो इट बिकम्स वेरी पर्सनल तो मैंने जब शुरू किया पढ़ना इस कानून के बारे में आई पी के बारे में तो पता चला कि पिछले दो दशकों में 2012 की ये बात है तो पता चला कि पिछले दो दशकों से इस कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा है आ, 2000 के स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आने लगी हाई कोर्ट्स ने बहुत बार बोला कि इस धारा का बहुत मिसयूज़ होता है लेकिन बावजूद इसके कोई रेजोल्यूशन नहीं है कोई कोई आ, पता नहीं हज़ारों लोगों ने जो है सुसाइड कर लिए मास स्यूसाइड तक हुए हैं जहाँ पे आ, माता पिता उनके दोनों बेटों ने जो है सुसाइड कर लिया और लेकिन इस तरह के बड़े भयावह केसेस के बावजूद भी कानून में कोई बदलाव नहीं आया था तो मुझे लगा कि आ, और कुछ नहीं तो एक चीज़ मैं जो कर सकती हूँ वो ये कर सकती हूँ कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊँ अवेयरनेस के लिए पर्पज़ या मुद्दा सिर्फ यही था स्मृति कि मैं चाहती थी कि लोग सुसाइड ना करें क्योंकि जब आपके साथ ऐसा होता है तो आपको यूं लगता है कि एक तो शादी टूट गई ऊपर से इस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं समाज में हंसाई होगी हसाई, हसाई आपको हुँ. गलत माना जाएगा क्योंकि आप पुरुष के परिवार के हैं सब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे फिर यूं भी लगता है कि डिवोर्स आज भी हमारी कंट्री में बहुत कम है तो यूं भी लगता है कि भाई हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और जब इंसान निर्दोष और उसको हर तरफ से घेर लिया जाए तो बहुत सारे लोग ब्रेकडाउन हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं तो मुझे बस ये था कि अवेयरनेस के लिए एक फिल्म बनाऊँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊँ ताकि वो लोग जो इन का, इन कानूनों में फंसाए जाते हैं उनको ये ना लगे कि वो अकेले, अकेले है, हैं और बहुत सारे, सारे हैं परिवार जो इस तरह के इस तरह के हालात से गुजर रहे हैं तो डोंट गिव अप एंड फाइट बैक बस एक वही ड्रीम था कि हाँ ऐसी एक फिल्म बनाऊँ अपने जो हमारे साथ हुआ उसको मैं एक पर्पज़ में कन्वर्ट करूँ उस टाइम पर मैं एक्सचेंज फॉर मीडिया नाम की संस्था में काम करती थी एज कॉरेस्पॉन्डेंट तो मैंने अपने बॉस को बोला कि सर मुझे एक साल दीजिए मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना के वापस अपने काम पर आ जाऊँगी सर को भी पता था जो भी हमारे परिवार में हो रहा था तो उन्होंने कहा दीपिका जाइए प्लीज़ आप ये फ़िल्म बनाइए mm. बट वो एक साल चार साल में कब बदल गए पता नहीं चला मार्टर्स ऑफ मैरिज जब मैंने बनाई और उस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के दौरान कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन हो गया एक फ़िल्म मेकर और अ जर्नलिस्ट से एक एक्टिविस्ट में और इतने लोगों की जब सफरिंग देखी तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं जिनको सामने लाने की ज़रूरत है लोगों की आवाज़ हमारी अथॉरिटीज़ और समाज तक खासकर पुरुषों और उनके परिवारों के ले जाने की ज़रूरत है और अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ तो वाई नॉट अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग नाम आपने रखा मार्टर्स ऑफ मैरिज इसको रखने का पीछे क्योंकि मार्टर्स तो शहीदों को बोला जाता है जी शादी के शहीदों अगर मैं हिंदी इसका जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल तो ये क्या थॉट था इसके पीछे इस नाम को रखने के पीछे इस थॉट uh, को इस डॉक्यूमेंट्री uh, के पीछे uh, इस डॉक्यूमेंट्री का मार्टर्स ऑफ मैरिज नाम रखने के पीछे जो थॉट था वो ये था कि मार्टर्स हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि शहीद हैं जो बॉर्डर पे अपनी जान देते हैं बट अगर आप इसका डेफिनेशन देखें तो मार्टर्स है किसी भी कॉज के लिए अगर इंसान अपनी बली दे दे, दे तो।, तो मेरे दिमाग में ये था कि शादी जो है वो हम सब लोगों के दिमाग में एक बहुत ही पवित्र बंधन है आ, कोई भी सोचता नहीं है कि एक शादी की वजह से आपकी ज़िंदगी में इतना भूचाल आ जाएगा कि आपको मौत की कगार तक चल ले जाएगा और क्योंकि यहाँ पे हम सुसाइड की बात कर रहे हैं तो ऐसे अनगिनत पुरुष हैं जिन्होंने शादी की वजह से और शादी के बाद झूठे केसेस में फंसने की वजह से अपनी जान दे दी तो उन्होंने कहीं ना कहीं शादी की कगार पर अपनी बलि दे दी तो वहाँ से शादी के शहीद नाम आया और डॉक्यूमेंट्री में ऐसे केसेस भी हैं बहुत ही संजीदा केसेस हैं जो जहाँ बहुत ही नेक अच्छे आ, संभ्रांत परिवारों के पुरुष वीडियोस सुसाइड नोट छोड़ कर गए कि किस तरह से उनको झूठा फंसाया गया और वो उस चीज़ को उस पीड़ा को उस उन एलिगेशन्स को नहीं झेल पा रहे हैं और इसलिए वो सुसाइड कर रहे हैं तो वहाँ से नाम आया अमूमन क्या होता है दीपिका कि लोग इस सब्जेक्ट के बारे में बात ही नहीं करते हैं और आज ये इंटरव्यू करने के पीछे हमारा भी दैनिक जागरण डिजिटल का भी यही मन है यही मंशा है कि एक नॉलेज ड्रिवन जो कंटेंट है कि हर चीज़ के बारे में हम बात करते हैं हम पॉजिटिव्स के बारे में भी बात करते हैं और नेगेटिव्स का सल्यूशन भी बताते हैं तो उसी कड़ी में आज हम इस एस्पेक्ट के बारे में भी बात कर रहे हैं जिसके बारे में मैं अमूमन लोग लोगों को पता नहीं है या लोग जैसा आपने बोला कि चुप हैं उस टॉर्चर को या उस हरसमेंट को सह रहे हैं या ऐसे लोग जिनकी फैमिली में हुआ है जिनको पता नहीं कि अगर ऐसा हो गया तो हमें आगे करना क्या है तो इसीलिए ये सिर्फ पॉजिटिव थॉट के साथ इस कंटेंट को क्रिएट करना हमारा मकसद है और जैसा कि मैं बोल भी रही हूँ दीपिका कि महिलाओं की राइट्स के लिए बहुत सारे कानून हैं अंडरलाइंड है लोगों को पता है अच्छा ये महिला के ये अधिकार है एक महिला का ये अधिकार है सारे अधिकारों के बारे में पता है ऐसे में पुरुषों के अधिकारों के बारे में तो बात ही नहीं होती है ये कितना ज़रूरी है कि पुरुषों को अपने अधिकार पता हो ये कितना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्मृति पहली बात तो और दूसरा ये कि अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग एक तो समझते नहीं है कि कोई पुरुषों के अधिकार जैसी भी, भी कोई चीज़ होती है पहला रिएक्शन लोगों का यही होता है कि क्या पुरुषों को भी कोई अधिकार की ज़रूरत है और अगर बात करने भी लग जाए तो पहली अप्रोच जो लोगों की होती है वो ये होती है कि भैया ये तो महिलाओं के खिलाफ बात कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी के भी अधिकारों के बारे में बात करना किसी और के अधिकारों का हनन हो सकता है जिस तरह से हम बच्चों के राइट्स के बारे में बात करते हैं जानवरों के राइट्स के बारे में बात करते हैं जो माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स के बारे में बात करते हैं या एक कोई भी तबका है जहाँ पे हमारे को पता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा हम है तो ऐसे में एक अगर इंसान है एक अलग जेंडर है तो उसके बारे में बात करना वाकई में किसी दूसरे जेंडर को नीचा दिखाना तो है ही नहीं और और बड़ी अजीब सी बात है स्मृति की लोग कहते हैं कि एनिमल राइट्स के बारे में हम या एनिमल राइट्स के लिए हम इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वो बेजुबान हैं है, अपने अधिकारों के लिए बात नहीं कर सकते हैं लेकिन वहीं पुरुष जब कभी अपने अधिकारों के लिए बात करना शुरू भी कर दें तो उनको दबा दिया जाता है कह के कि भैया तुम्हारे को कौन से अधिकारों की ज़रूरत है तो मतलब अगर कोई आवाज़ उठा भी रहा है तो फिर आप उसको दबारे और एक जगह पे आप ये कह रहे हो कि बेजुबान है तो इसलिए हम उनके अधिकार बट इट इज़ एज अ सोसाइटी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइट अगेंस्ट रॉन्ग चाहे किसी के साथ भी होता है मेरी भी सोच वहीं से आती है अगर पुरुषों के साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाती हूँ महिलाओं के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती हूँ तो बहुत ज़रूरी है पुरुषों को ये भी समझना कि वो भी डिज़र्व करते हैं अ लाइफ ऑफ डिग्निटी जिस तरह महिलाएं डिजर्व करती हैं वो भी डिज़र्व करते हैं कि उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो उनको न्याय मिले जिस तरह से महिलाओं के को, को मिलना चाहिए और पुरुषों के साथ अगर कुछ गलत होता है जो हमारे कानून है जो हमारे कानून बनाने वाले हैं अगर वो उस गलत के ख़िलाफ़ हमारे कानून बनाने वालों से बोलते हैं कि आप हमारे को भी प्रावधान दीजिए तो वो भी वैसे ही होना चाहिए जैसे महिलाएं कहती हैं आज के समय में इंडिया में 1.5 बिलियन पॉपुलेशन हमारी अब होने वाली है डेढ़ सौ करोड़ की पॉपुलेशन में हमारा कानून ये मानता ही नहीं है कि पुरुषों के साथ भी घरेलू हिंसा हो सकती है इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हमारा कानून मानता ही नहीं है कि कोई लड़की भी लड़के के पीछे पड़ सकती है उसके साथ रिश्ते में जाने के लिए या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए या उसके साथ शादी करने के लिए तो जितने भी हमारे कानून हैं जो जेंडर स्पेसिफ़िक हैं वो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं चाहे वो 498 नाइन्टी हो गया जो कि क्रूअल्टी के खिलाफ है लेकिन सिर्फ शादीशुदा महिलाएं फाइल कर सकती और कोई इंसान नहीं फाइल कर सकता स्टॉकिंग हो गया मॉलिस्टेशन हो गया सेक्शुअल हरसमेंट हो गया रेप हो गया डाउरी हो गया ये सारे के सारे जो हैं कानून सिर्फ़ महिलाओं के लिए हैं पुरुष उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता तो अब ये कहना कि महिला किसी पुरुष के साथ घरेलू हिंसा कर ही नहीं सकती गलत लगता है मुझे आ, ये सोचना कि कोई पुरुष है उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हो सकता ये भी गलत लगता है मुझे पहले हमारे इंडियन पिनल कोड में तीन करके एक कानून था जो कि सिर्फ इकलौती एक प्रोविज़न थी जो सेक्शुअल असोल्ट ऑन अ मैन को भी रिकगनाइज करती थी वो भी भारतीय न्याय संहिता से हटा दी गई है तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं है इस वक्त कुछ भी नहीं है इस वक्त कुछ भी नहीं मैन राइट्स को को लेकर के कुछ भी नहीं लॉ में जी नहीं हमारी कोर्ट्स बकायदा बार बार ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रही हैं कि झूठे केसेस होते हैं पुरुषों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस भी पुरुषों के खिलाफ होता है लेकिन हमारी लॉ मेकिंग एजेंसीज जो हैं उनमें कोई कॉग्निजेंस नहीं है एक अभी हाल फिलहाल में अर्जुन मेघवाल जी जो लॉ मिनिस्टर हैं उनका एक स्टेटमेंट आया है कि शायद फोर को और जो अब पचासी छियासी बी है उसको रिव्यू किया जाएगा बट अदरवाइज़ सुप्रीम कोर्ट में पी फाइल हो चुकी है कि एक मेंस कमीशन भी होना चाहिए उन्होंने उसको सिरे से रिजेक्ट कर दिया जब ये आंकड़ा दिखाया गया कि बहुत पुरुष हैं जो मर रहे हैं अपनी जान दे रहे हैं तो उनसे फिर सवाल किया जाता है कि आप तो एक तरफा आंकड़ा दिखा रहे हैं महिलाएं कितनी करती हैं ये भी बताइए तो जब भी हम पुरुषों की बातें करते हैं उनको हमेशा महिला के पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है अगर पुरुष के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो हमेशा महिलाओं के पर्सपेक्टिव से हैं hmm. कोई अपनी उनकी एक ह्यूमन राइट्स या इंडिविजुअलिस्टिक आइडेंटिटी नहीं है विच आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी सैड थिंग एंड गोइंग फॉरवर्ड आई फील वी आर बिल्डिंग अ सोसाइटी जो बहुत ज़्यादा एक तरफा होता जा रहा है आपको ऐसा लगता है आने वाले टाइम में जो हमारे बच्चे हैं खासकर जो लड़के हैं hmm. उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है सिनारी मैं अभी आ, मैं अभी कोलकाता रेप केस या इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा हम डिफरेंट एंगल में अभी चीज़ें बात कर रहे हैं आपको लगता है आने वाले टाइम में थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है बिल्कुल डेफिनेटली हो सकती क्योंकि है क्योंकि जब रेप केसेस लड़कों के चाहे इस्पेक्टिव ऑफ जेंडर बच्चों के साथ भी हो रहे हैं तो उन बच्चों के साथ भी हो रहे हैं लड़कों के साथ भी हो रहे हैं तो ऐसे में कितनी अलार्मिंग या सिचुएशन है स्मृति मेरे पास बहुत सारे यंग लड़के भी मेरे को कांटेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि मैम हमारे को बहुत ही अंदर से ट्रबल्ड फील करते हैं हम कभी कभार हालांकि हमारे को ये बताया जाता है कि महिलाओं के राइट्स हैं महिलाओं के लिए हमें फ़ाइट करना है और हम लोग करते भी हैं हम लोग अगर किसी लड़की के साथ गलत होता है तो हम लोग बिल्कुल उसको कंडेम करते हैं पर मैम जब हम लोग के साथ गलत होता है तब क्यों नहीं कोई कंडेम करता या हमारे लिए कोई बात क्यों नहीं करता या आप ही सिर्फ क्यों हैं जो हमारे को सुनाई देती हैं लड़कों के लिए या पुरुषों के लिए बात करती हुई किसी को फ़र्क क्यों नहीं पड़ता तो डेफिनेटली आगे जैसे ये चीज़ें और बढ़ेंगी एक मन में वो तो आएगा ही मतलब एक सिंपल सा एग्ज़ैम्पल है स्मृति कि जब एक घर में हम पहले बहुत ही बातें करा करते थे अभी भी होता है डेफ़िनेटली कि लड़के को तो अच्छे स्कूल में पढ़ने भेज रहे हैं और लड़की को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया लड़के को सारी फ़ैसिलिटीज़ माँ बाप दे रहे हैं चाहे अच्छे घराने से हैं चाहे मिडिल क्लास हैं लड़की को थोड़ा सा तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एक ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड करने का बहुत केपेबल होता है जब आपको दिख रहा होता है कि दबाँत हो रही है तो वो चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो उसको समझ में आएगा अब मेरे पास एक लड़का आया वो इलेवेंथ क्लास में है वो अपनी माँ के साथ मेरे साथ मेरे पास आया और उसने कहा कि मैम मैं आपके साथ थोड़े दिन काम करना चाहता हूँ मैंने कहा आप बहुत छोटे हैं नहीं तो मैंने उनकी माँ से पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि स्कूल में इसके साथ बुलिंग हुई और इसको मार दिया बच्चियों ने लेकिन क्लास टीचर जो हैं उस बच्ची को कुछ कहने की बजाय उल्टा इसको ब्लेम कर रही हैं तो, तो दैट इज़ नॉट वेरी कंड्यूसिव Uh, मेरी खुद की एक मित्र है वो कहती हैं उनका बेटा जब हुआ तो पढ़ी लिखी उनकी जो फ्रेंड्स हैं वो आके शोक सा मना रही थी कि अरे यार बेटी होनी चाहिए थी mm -hmm. तो जो डिस्क्रिमिनेशन है जो पहले हम बेटियों के साथ बहुत देखते थे वो आज के समय पे बच्चों के साथ लड़कों के साथ बहुत हो रहा है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को कचोटेगा तो और क्योंकि लॉज सारे के सारे इतने ज़्यादा वन साइडेड है मेरे को तो पता नहीं कितने सारे आदमियों को बोलना पड़ता है कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते लड़की ने डिच कर दिया आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते लड़की ने आपको डंप कर दी आप कुछ नहीं कर सकते पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो आपके बच्चे ले गई आपको उनको देख देखा देखने भी नहीं दिया जा रहा है आप कुछ नहीं कर सकते मतलब हर चीज़ पे आप एक आ, डिफेंसिव पोजिशन में रहेंगे ऑफेंसिव में नहीं होंगे चाहे आपके कितने भी अधिकारों का हनन ना रह, हो रहा हो तो ऑब्वियसली बात है डिस्क्रिमिनेशन कोई भी देखेगा तो उसको बुरा तो लगेगा कि और ये भी एक सवाल आएगा कि क्यों हो रहा है ऐसा ऐसा मैंने क्या कर दिया ऐसा मैंने क्या गलती कर दी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है दीपिका आपको नहीं लग रहा है कि आ, जो पुरुषों के अधिकार हैं उनको लेकर के बातें बहुत कम हो रही हैं लोगों को पहली बात है लोग ये डिस्कस ही नहीं करना चाहते लोगों को पहली बात है पता ही नहीं है कि ऐसे कोई अधिकार हैं फिर लोग ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं और इसके एक्टिविस्ट भी कम हैं अगर हम देखें इस वक्त जो भी ह्यूमैन राइट्स को लेकर के पुरुषों के अधिकारों को लेकर के जो थोड़ी बहुत बातें हो रही हैं वो आप रख रही हैं प्रोमिनंट फेस आप हैं क्यों नहीं और एक्टिविस्ट हैं इसके बहुत सारे कारण हैं स्मृति मैंने दो में अपनी जर्नी की शुरुआत की चार साल मार्टर्स ऑफ मैरिज बनाई मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसी भी तरह के फंड्स नहीं थे बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन थी मैं क्योंकि अपने माता पिता के साथ रहती हूँ और इतने ज़्यादा कोई एक्सपेंसेस नहीं थे तो मैंने चार साल गुजार लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं थे पहले की जो सेविंग्स थी वो पूरी की पूरी फिल्म में लगा दी उसके बाद लगभग दो साल मैं फिर ये सोचती रही कि मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा पॉसिबल हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा एक इंसान शोनी कपूर जी हैं उनकी अपनी लॉ फर्म है त्रिपक्षा लिटिगेशन के नाम से उन्होंने मेरी फिर सेकेंड डॉक्यूमेंट्री इंडिया सन्स को फ़ंड किया उस डॉक्यूमेंट्री को अब ओ टी प्लेटफॉर्म मिल गया है जियो सिनेमा लेकिन जितना भी पैसा उसके ऊपर लगा वो हम उतने ही एग्जैक्ट लॉस में हैं हार्डली हम लोग कुछ रिकवर कर पाए हैं जो पैसा हमारी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर लगा तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो कारण है किसी का बहुत ही पैशनेटली या बहुत ही ज़्यादा मतलब सब कुछ छोड़ के इस चीज़ में मैं तो बारह साल से लगी हुई हूँ बट बहुत मुश्किल है किसी और इंसान के लिए ऐसा करना क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कोई इंस्टीट्यूशनल फंडिंग नहीं है आ, कोई इनक्रेजमेंट नहीं है गालियां और सुनने को पड़ती हैं जबकि आप किसी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं आप किसी को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं आ, आपको कंडेम किया जाता है आपको एंटी वूमेन देखा जाता है और मैंने तो चलो अपनी जॉब वॉब लाइफ में सब कुछ छोड़ के ये काम शुरू किया और मैं पिछले बारह साल से लगातार सिर्फ यही कर रही हूँ किसी और इंसान के लिए ये स्टेप लेना थोड़ा मुश्किल है खासकर आदमियों के लिए महिलाएं तो पुरुषों के लिए लड़ें बहुत बहुत ही रेयरली देखा जाता है बट आदमी भी अगर अपने आप के लिए लड़ने की कोशिश करें तो ये देखना पड़ेगा कि उनके ऊपर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो जॉब करते हैं उनको उसमें भी टाइम देना है अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो अपना घर कैसे चलाएंगे तो उनके लिए अपना जॉब वॉब सब कुछ छोड़ के और फिर एक्टिविज्म में आना थोड़ा सा मुश्किल है अगर आपको ये समझ में आए कि हाँ पॉसिबल है ये काम और हम अपने आप को फंड कर सकते हैं तो ऑब्वियसली और भी लोग आएंगे अब मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि महिलाओं के अधिकारों के लिए जो लोग काम करते हैं वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल फंडिंग है आपको आपको ना ही सिर्फ इंकरेजमेंट मिलेगी बट आपको फंड्स भी मिलेंगे अब जैसे सी है उसमें वीमेंस राइट्स या वुमेंस इश्यूज़ के ऊपर कोई काम करता है या गर्ल्स इश्यूज़ के ऊपर कोई काम करता है तो डेडिकेटेड फंडिंग है तो इसलिए आसान है लोगों के लिए काम करना और दूसरी ये चीज़ है कि एक्सेप्टेंस बहुत कम है आप धारा के विपरीत जा रहे हैं तो सब लोगों के बस की बात नहीं है कि आप हर रोज़ गालियाँ सुने और फिर भी अपने पैशन के साथ लगे रहें क्योंकि आपको ये समझ में आता है कि ये काम ज़रूरी है तो मेरे को बहुत सारे लोग हर रोज़ मैसेज करते हैं कि गॉड ब्लेस यू मैम मे यू लिव हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ क्योंकि उनको समझ में आता है कि मैं किन चैलेंजेस और दिक्कतों के बावजूद हर रोज़ यही काम करती हूँ और लोगों की आवाज़ सामने लाने की कोशिश करती हूँ बट धीरे धीरे सिचुएशन डेफिनेटली हैज़ चेंज्ड एंड इनफैक्ट मेरे से कहीं पहले बहुत लोगों ने मेंस राइट्स या मेंस इश्यूज़ के बारे में बात करना चर्चा करना उनके लिए लड़ना उनके लिए हेल्पलाइन बनाना शुरू कर दिया था मैं कहीं ना कहीं शायद उस जर्नी का एक पार्ट हूँ सोल नहीं हूँ सेव इंडियन फैमिली नाम की एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है मैं uh, उससे पहले भी 1989 में आरपी पी चुग जी एडवोकेट आरपी पी चुग होते थे उन्होंने सबसे पहले मैन सेल खोला था जब उन्होंने देखा कि डाउरी लॉ का बहुत मिस हो रहा है तो आई थिंक आई एम अ पार्ट ऑफ द व्हील आई एम अ कॉग ऑफ द व्हील एंड नॉट द व्हील फॉर श्योर तो सेव इंडियन फैमिली है सेव इंडियन फैमिली फ़ाउंडेशन भी है सहोदर ट्रस्ट भी है और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पुरुषों के लिए आवाज़ उठा रही हैं या उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोमिनटली मैं सेव इंडियन फैमिली को जरूर आ, मैं सोचती हूँ कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं दे 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 हैव ओनली ओनली आर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ अ हैटियर रन हेल्प नाइन कॉल्ड एस आई एफ वन वो लगभग महीने के तीन हज़ार कॉल्स लेते हैं अच्छा जी महीने के तीन महीने calls. के तीन हज़ार कॉल्स अच्छा मैं इसमें ये पूछूंगी दीपिका इसमें से कितने ऑथेंटिक होते हैं जेन्यून कॉल्स जेन्यून प्रॉब्लम्स में कौन कौन होते हैं क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स इस तरफ भी हैं प्रॉब्लम्स उस तरफ भी हैं जी जी तो आप लोग फिल्टर आउट भी करते होंगे कि अच्छा ये एक जेन्यून प्रॉब्लम लेकर के ये पर्सन मुझे कॉल कर रहा है देखो स्मृति मैं ना एक उदाहरण के साथ बात करती हूँ ठीक है हेल्पलाइन मतलब आप किसी को हेल्प कर रहे हैं जज नहीं कर रहे हैं फिल्टर नहीं कर रहे हैं सबसे पहली बात ये अंडरस्टैंडिंग है नॉट एज एक्टिविस्ट और एनी बडी एल्स बट जस्ट एज ह्यूमन बींग आप को कोई मदद के लिए बोल रहा है तो आप यही सोचेंगे कि किस तरह से मदद कर सकते हैं उस इंसान की प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर रहे हैं हम ये नहीं कह रहे कि कौन गलत है कौन सही है ये बात नहीं अब परसों मेरे पास एक कॉल आया दोपहर में वो आदमी शुरुआत में ही बहुत दहाड़े मार मार के रोने लग गया मैंने कहा क्या हो गया ऐसा तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक महिला के साथ रिलेशनशिप में था हम लोग एक साल से आपस में साथ में थे और उसके परिवार वाले जो है नहीं चाह रहे थे कि मैं उससे शादी करूँ लेकिन हम लोगों ने शादी कर ली आ, पहले कोर्ट मैरिज करी और प्रॉपर एक फंक्शन होने वाला था लेकिन वो उसके अपने घर चली गई है और अब वो लोग उसको आ, आने नहीं दे रहे हैं मेरे पास और वो शायद कहीं उसकी और शादी कर देंगे मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ दहाड़े मार मार के रोने लग गया और ये पूछने लग गया कि क्या मैं कुछ नहीं कर सकता क्या कर सकता है मैं कुछ नहीं कर सकता क्या तो अब यहाँ पे मैं जज नहीं करूँगी कि कोई जाहिर सी बात है कोई महिला होती तो वो भी इसी तरह से उसका भी यही रिएक्शन होता अगर उसका पति उसको एकदम से छोड़ के चला जाता वो भी शायद रोती वो भी शायद मदद की गुहार लगाती और आई एम वेरी श्योर कि अगर वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा चली जाती और वो ये कहती कि ये मुझे नहीं मेरे साथ आ रहा है शादी थोड़े दिनों पहले करने के बाद तो पुलिस ना ही सिर्फ उसके पति को बुलाती बल्कि उस पति को ये भी बोलती कि बेटा यू हैव टू बी विद हर आप लोगों की शादी हुई है बट यहाँ पे अगर वो पुलिस जाए के पास जाएगा तो पुलिस तो उसको सुनेगी ही नहीं और अगर सुन भी लेगी तो क्या वो उस महिला को किसी भी तरह से बोल सकती है कि आप आके इसके साथ रहो या ज़बरदस्ती कर सकती या नहीं कर सकती तो फीलिंग्स इमोशंस ट्रामा जेंडर का वो नहीं होता है आदमियों को भी उतना ही दर्द होता है अगर वो किसी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे होते हैं जितना महिलाओं को होता है तो फिल्टरिंग प्रोसेस नहीं करते जहाँ तक ये जो आंकड़ों की बात है कि इतनी हज़ारों कॉल्स आती हैं उसमें कितने जेनुन होते हैं कितने नहीं होते तो हम लोग बेसिकली उनकी जो क्वेरी है वो एड्रेस करते हैं या एस भी जो संस्था है जो उनके वॉल्टियर्स हैं उनकी ऑन ग्राउंड मीटिंग्स भी होती हैं तो चाहे वो हैं चाहे हम हमें हम भी आ, महीने के लगभग डेढ़ सौ या दो सौ तक आ, हमारे पास कॉल्स आती हैं या हम लोग काउंसलिंग्स करते हैं इतनी कॉल्स और आती हैं तो आ, हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करते हैं सिचुएशन को कि किस तरह से वो जो उनका पेन पॉइंट है उसको रिजॉल्व किया जाए या झूठे एलिगेशन हैं या कोर्ट में उनकी फ़ाइट है या कोई और एक्स वाई जेड चीज़ है उसको कैसे हम लोग एड्रेस कर सकते हैं तो वो ये करते हैं जाहिर सी बात है कुछ लोग होते हैं उनकी प्रॉब्लम इतनी कोई बड़ी नहीं होती है उनकी प्रॉब्लम बहुत छोटी सी होती है आ, कुछ लोग होते हैं उनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस होती है Uh, हम मैं अपनी जो संस्था है कम न्याय फाउंडेशन उसके थ्रू हम लोग बहुत सारे केसेस में इंटरवीन भी करते हैं जैसे मैं अभी हाल ही में एक केस हैंडल uh, कर रही हूँ जहाँ पर uh, महिला जो है वो uh, इस पुरुष को झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दे रही है और वो करने के लिए उसने फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी लगा दी है जो कि हम लोगों को पता चल चुका है कि फेक है तो ऐसे केसेज में ऐसे पुरुष के साथ हम पुलिस स्टेशन भी जाते हैं आला अधिकारियों से कनेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं तो वेरियस लेवल्स होते हैं बट हम लोग कोशिश करते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर सकें तो दीपिका आपकी टीम में कितने लोग हैं मेरी टीम में चार लोग हैं हम लोग आ, महीने के लगभग डेढ़ सौ से दो सौ क्वेरीज़ को आंसर करते हैं उनमें से कुछ सिर्फ काउंसलिंग्स होती हैं कुछ इंटरवेंशनस होती हैं जहाँ पे हम उन केसेस में इन डेप्थ जो है आ, उनको मदद करते हैं चाहे वो अथॉरिटीज़ से मदद होना हो चाहे वो लीगल मदद करना हो तो इस तरह लगभग 200 सौ केसेज महीने के महीने के 200 सौ केस और वो जो मैं सेव इंडियन फैमिली की जो कह रही बता रही थी कि उनके लगभग महीने में 3000 हज़ार कॉल्स आती हैं वो एक वॉल्टियर रन हेल्पलाइन है मुझे नहीं पता कि कितने सारे लोग उन कॉल्स को ले रहे हैं बट पैन इंडिया वॉल्टियर्स हैं जो इन सब लोगों से बात करते हैं और एड्रेस करने की कोशिश करते हैं सिचुएशन को अच्छा आपने एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग बताई दीपिका कि फ़ंड्स uh, नहीं थे फिल्म बनाने के लिए और जॉब भी आपने छोड़ दी थी तो किस तरीके से इस जर्नी में आपको फिनैंशली किस तरीके से सपोर्ट मिला क्योंकि जैसा आपने बोला फ़ंड्स नहीं हैं लोग फिनैंशली सपोर्ट नहीं करते हैं फिर जिन ऑर्गेनाइजेशन से आप अगर मदद की उम्मीद भी करती हैं तो ये उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते ही नहीं करते हैं कि ऐसी भी कोई रीज़न के लिए कैंपेन चलाया जा सकता है तो पैसे का इंतज़ाम कहाँ से होता है चार साल जब मार्टर्स ऑफ मैरिज बना रही थी तो कुछ अपनी सेविंग्स थी और एक छोटा सा क्राउड फंड इनिशिएट किया था उससे चार साल निकल गए उसके बाद डॉक्यूमेंट्री किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं जा पाई तो फिर दोबारा से क्राउड फंडिंग की और फिर उसको पैन इंडिया लगभग 22 शहरों में दिखाया फ्री ऑफ कॉस्ट फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स में मार्टर्स ऑफ मैरिज चली गई ग्लोबल रिलीज़ उसको मिला बहुत ही छोटा सा एक अमाउंट वहाँ से आया वहाँ से थोड़ा बहुत सर्वाइवल हुआ फिर उसके बाद इंडिया सन्स को प्रोड्यूसर मिल गया तो इंडिया सन्स की फिर जर्नी चली फिर कोविड भी आ गया तो वो भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ रहा हम जो भी काम करते हैं हम उसके लिए कोई चार्ज नहीं करते हैं इस चाहे हम लोग किसी इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके ऊपर चाहे एक महीना लगाएँ चाहे छः महीने लगाएं वी डोंट चार्ज फ्रॉम उस प्रोसेस में आना जाना डोंग्रॉम के पैसे वो सब आप अपनी पॉकेट से लगा uh, नहीं नहीं अपनी पॉकेट से तो कहाँ से लगाएंगे uh, लगभग डेढ़ साल पहले मैंने पब्लिक uh, को सपोर्ट uh, करने के लिए रिक्वेस्ट करना शुरू किया तो एज ऑफ नाउ हमारा सारा का सारा काम पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन से चलता है महीने में एक बार हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर उनको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वो हमारे को कॉन्ट्रीब्यूट करें तो उसी की वजह है पहले लगभग डेढ़ साल पहले तो सब कुछ अकेले ही करती आ रही थी इतने सालों से बट अब एक छोटी सी टीम है तो वो सस्टेन या सर्वाइव इसी वजह से कर पा रही है कि लोग अब थोड़ा सपोर्ट करते हैं बट हाँ स्टार्टिंग के आठ दस साल काफ़ी टफ रहे हु इंडिया सन्स में आ, मैं अपने आप को महीने के तीस पैंतीस हज़ार रुपये देती थी और ये दो से दो की कहानी है जबकि 2012 में जब मैंने अपनी जॉब को छोड़ा था तब मैं पचास हज़ार रुपये महीना कमाती थी hmm. तो ठीक है पैशन बहुत hmm. बड़ी चीज़ है स्मृति uh. मतलब मैं आ, यही चीज़ सोच रही हूँ कि आ, इसको ना करने के बहुत सारे रीज़न्स हैं मोनिटारि देख लीजिए आप वो आप करियर में कुछ एक अच्छी ग्रोथ लेकर के एक अच्छी आप पोजीशन पे पर पहुँचे क्योंकि मीडिया बहुत जल्दी से इवॉल्व होता है और अब तो और भी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं मीडिया में तो आपके पास एक ईजियर वे आउट था ना करने के बहुत सारे रीजंस थे करने का सिर्फ़ एक ही रीज़न जैसा आपने बोला पैशन बड़ी चीज़ होती है कभी लगता नहीं कि थक गई हूं। इतने सालों से एक ही चीज़ पे लगी हुई हूँ और काम कर रही हूँ मेहनत कर रही हूँ पैसे भी नहीं हैं और इस तरीके से जो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और बीइंग अ फीमेल तो दूसरी महिलाएं कैसे मुझे देख रही हैं बहुत सारी चीज़ें होती एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मैं ये नहीं कहूँगी कभी एक परसेंट नहीं साल में एक बार आता होगा वो नेगेटिव हल्का सा थाट जिसका ओबियसली एवरी वन ओवा काम मैं नहीं डिनाई करूँगी कि ऐसे थाट्स नहीं आते हैं अब इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा आने लग गए हैं क्योंकि दुख पीड़ा या वॉल्यूम जो इन केसेस की है जो हम हैंडल करते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन आ, हार मानना या फिर छोड़ देना या फिर आ, इजी वे आउट का ऑप्शन नहीं है मेरे पास स्मृति क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं नहीं करूँगी तो बहुत सारे लोगों की जो उम्मीद है वो टूट जाएगी तो मैं उस मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं उस उम्मीद को किसी भी वजह से टूटने दूँ और बहुत सारे लोग हैं जो मदद करते हैं और मदद करना चाहते हैं तो आई एम श्योर कोई भी एक्टिविस्ट या कोई भी इंसान अगर समाज में बदलाव के ऊपर काम करता है या जितने भी लोग हैं जिन्होंने बदलाव के लिए काम किया है किसी की भी जर्नी बहुत बेड ऑफ रोजेस नहीं रही होगी हर इंसान ने स्ट्रगल किया है जब वो किसी चेंज को लाने की कोशिश करते हैं या एक समाज के uh, जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हालांकि मैंने इतनी ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं या इतनी ज़्यादा जर्नीज़ नहीं पढ़ी हैं बट एक समझ में आता है कि आप आप वो चीज़ कर रहे हो जो कि बहुत पॉपुलर नहीं है कॉमन नहीं है लोगों का बहुत ही ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल माइंड है तो इट्स टू बी टफ बट इट्स ओके बट वही जो मैंने आपको बोला कि जब ब्लेसिंग्स uh, आती हैं हर रोज़ तो इट टेक्स केयर ऑफ ए ऑफ थिंग्स एक प्रोग्राम कर रही थी तो उसमें एक आ, महिलाओं का था वो प्रोग्राम तो एक लड़की ने मुझसे सवाल किया कि मैं एक गांव से आती हूँ और आ, मैंने एक मुहिम चलाई थी एडुकेशन को लेकर पढ़ाई को लेकर के शिक्षा को लेकर के तो जब मैंने वो मुहिम चलाई थी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी हुँ. मेरे पेरेंट्स मेरे अगेंस्ट थे सोसाइटी मेरे अगेंस्ट थी मेरे रिलेटिव्स मेरे अगेंस्ट थे बहुत छोटे से गांव से और अब मैं देखती हूँ कि बाकी बच्चे आराम से पढ़ रही हैं वो सारी प्रॉब्लम्स मेरे लिए ही बनी थी तो मेरे मन में एक सवाल आया कि एक एक आंसर आया इसका एक जवाब आया मैंने उसको बोला भी कि जो मशाल लेके सबसे आगे चल रहा होता है ना उसको रास्ता खोजना होता है उसको ढूंढना होता है कि रास्ता कहाँ है तो डिफ़िकल्टी बाकी तो फौज पीछे आ रही होती है लेकिन आप मशाल लेके चल रहे होते हो आप रास्ता ढूंढ रहे होते कि अच्छा इस रास्ते में कम कठिनाई है या इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे या मेरे साथ जो लोग हैं उनको यहाँ प्रॉब्लम तो नहीं होगी तो मैंने कहा हमेशा से होता है जो मशाल लेके आगे चल रहा होता है उसको प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी चैलेंजेस होंगे ही होंगे बाकी लोगों को जो पीछे से आ रहे हैं आपकी जो फौज है जो आपकी सेना है आर्मी है उसको थोड़ा सा कम प्रॉब्लम होगी कंपेरेटिवली आपके अच्छा आप इस बात को कितना मानते हैं कि एक ट्रेडिशनल माइंड मैस्कुलिनिटी को लेकर के ऑलरेडी समाज में है पुरुष हो लड़के रोते नहीं हैं लड़के लड़कों के कंधों पे जिम्मेदारी है फैमिली की आप ब्रेड विनर हो आप इस तरीके से आप गिवअप नहीं कर सकते आप अपने इमोशंस नहीं दिखा सकते खुश हो खुश नहीं दिखा सकते खुशी नहीं दिखा सकते दुख हो दुख, दुखी हो दुख नहीं दिखा सकते आपको लगता है ये सब चीज़ें एक मेंटल ऑफ 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 अ मेल पर्सन एक पुरुष के जो मेंटल uh, हेल्थ है उसकी वेलबींग well है आज किस आज के परिप्रेक्ष्य में वो इम्पैक्ट करती है वो ट्रेडिशनल जो वे ऑफ थिंकिंग या नर्चरिंग है मैस्कुलिनिटी को लेकर स्मृति देखिए दो पहलू हैं इस चीज़ के एक है आपका पारिवारिक माहौल और एक है आपका सामाजिक माहौल बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपका बेस जो है या आपका जो एक एंकर पॉइंट है वो आपका पारिवारिक माहौल होता है तो मैं कहूँगी वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है जिसके मैंने पहले बात की वहाँ पे पुरुष इतना ज़्यादा फील नहीं करते हैं क्योंकि ऐसा वो एक आउटराइट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है दे हैव ऑल्सो एक्सेप्टेड दिस एज अ पार्ट ऑफ लाइफ मतलब रिस्पॉन्सिबल हो आप घर के बड़े हो आप ही को माँ बाप का ध्यान रखना है आपको ही पैसे कमा के लाने हैं बड़ी बहन अगर है तो भी उसका ध्यान आपको रखना है छोटी बहन है तो भी रखना है बड़े भाई बहन है तो भी रखना है अपने आप से पहले अपने परिवार को देखना है उनकी ज़रूरतों को देखना है उनकी मुसीबतों को देखना है और ज़्यादातर पुरुषों को इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होती है दे दे आर वेरी ओके मतलब दे आर दे आर मेड लाइक दैट बाई नेचर प्रोबेबली नर्चरिंग भी ऐसी होती है और कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली कह लीजिए या मेंटली कह लीजिए वो थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं इन चीजों को हैंडल करने के लिए दूसरा आता है एक सामाजिक पहलू अब यहां पे ज्यादा प्रॉब्लम होती है अब सामाजिक पहलू में एक एक आम धारणा बन गई है या एक आम चीज बन गई है कि पुरुष और महिला के बीच में गलती होगी तो वो पुरुष की होगी ब्लेम अगर करना है अगर किसी भी चीज़ के गलत हो जाने पे या रिलेशनशिप ख़राब हो जाने पे तो पुरुष को ही करना है फिर हमारा जो कानून का दायरा है या पुलिस का दायरा है वो भी सामाजिक तौर पे ही कहीं ना कहीं आ जाता है वहाँ पे अगर एक पुरुष जाता है और अपनी प्रॉब्लम बताने की कोशिश करता है तो पहली बात तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं है दूसरी बात उसको अगर वो किसी महिला के खिलाफ जा रहा है और कंप्लेन कर रहा है तो पुलिस उसको यही बोलेगी कि बेटा तो चला जाए अगर वो आ गई और उसने कंप्लेंट कर दी तो तेरे को हम धर लेंगे वहाँ पे मेंटल वेलबींग well जो है उसके हम बहुत सारे केसेस देख रहे हैं जो कम्प्लीटली टॉस में चली जाती है और मैं सिर्फ बातों की बातों में नहीं बोल रही हूँ अभी बॉम्बे में एक आदमी ने सुसाइड किया है लगभग 20 मिनट का सुसाइड वीडियो बना के छोड़ के गए हैं संदीप है उनका नाम उन्होंने कहा कि एक महिला और उसके परिवार से उनकी मुलाकात हुई शादी के लिए उनकी एंगेजमेंट वगैरह भी हो गई शादी नहीं हुई थी उसके बावजूद वो महिला उसके पूरे परिवार का खर्चा है जो इसके इससे चलवाती थी फिर उसके बाद उसने कहा कि हम एक घर खरीदना चाहते हैं तो इससे साढ़े बारह लाख रुपए ले लिए और उसके बाद शादी को कैंसिल कर दिया और जब इसने कहा कि मेरे पैसे मुझे आप वापस कर दीजिए अगर कोई रिश्ता हमारा नहीं रहा है तो उसने इसके ऊपर स्टॉकिंग का केस लगा दिया और ये आदमी चीफ मिनिस्टर पोर्टल से लेकर प्राइम मिनिस्टर पोर्टल से लेकर कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे से लेकर हर जगह पिछले डेढ़ साल दर दर भटक रहा था धक्के खा रहा था कि एक तो मेरा पैसा गया पैसे से भी पहले एक तो मेरे इमोशंस की धज्जियाँ उड़ाई गई कि मेरे को शादी के नाम पे बेवकूफ बनाया गया दूसरा मेरा पैसा खा लिया इन लोगों ने तीसरा ये मेरे ऊपर ही क्रिमिनल इन्होंने मुकदमा किया और अब ये कहते हैं कि हम तुझे तो मार भी देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तू आत्महत्या कर ले वैसे ही तो 20 मिनट में इसने पूरा बताया है और उसमें एक स्पेसिफिक बात वो ये कहता है कि मुझे लग रहा है मेरा तो आदमी होना ही सबसे बड़ा गुना था मेरी बिना किसी गलती के कारण मेरे को इतनी ज़्यादा हैरसमेंट झेलनी पड़ रही है पिछले डेढ़ साल से और मैं पुलिस के पास जाता हूँ तो मुझे यही बोलते हैं कि भाई तू पुरुष है तेरे लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते तो मैं इसलिए सुसाइड कर रहा हूँ और ये सिर्फ़ एक केस नहीं है अभी पिछले ही हफ्ते के मैं सारे केसेस आपको बता रही हूँ उस प्रति कोई बहुत पुरानी बात नहीं है सतासठ साल के आदमी जो बाईपास सर्जरी करा चुके हैं हार्ट पेशेंट हैं बॉम्बे में एक सोसाइटी में उन्होंने अपनी पार्किंग स्पेस एक महिला को दे दी क्योंकि उनके पास गाड़ी नहीं थी अब ये महिला उनके ऊपर प्रेशर डालने लग गई कि आप परमानेंटली इस पार्किंग को हमारे को दे दीजिए उन्होंने मना कर दिया तो एक सीसीटीवी फुटेज अभी मेरे पास आई है उनकी विक्टिम की फैमिली से जिसमें वो लेडी जो है लिफ्ट में उनको तार तार मार रही है इस बुज़ुर्ग को और इस जबरदस्ती में कि आप नहीं बोलोगे वो मैं जो मैं कह रही हूँ तो मैं आपके ऊपर रेप का केस लगा दूँगी उसके घर में सबके सामने जाके उसको धमकियाँ देकर आती है इस बुज़ुर्ग पुरुष को अगले दिन वो रेलवे ट्रैक पर जाके अपने आप को काट लेते हैं मार लेते हैं वो महिला को इन चार या पाँच दिन बेल भी मिल जाती है उसके ऊपर अबेटमेंट टू तो सुसाइड का मुकदमा दर्ज होता है और फटाफट से उसको बेल भी मिल जाती है ये जो संदीप का मैं केस कह रही हूँ इन्होंने पंद्रह या सत्रह तारीख को इन्होंने सुसाइड किया है आज सात दिन हो गए हैं एफ भी दर्ज नहीं की है मुंबई पुलिस ने तो जब ये पर्सपेक्टिव देखते हैं पुरुष कि भैया हम लोग का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है हम लोग को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है हम लोग के तो कोई अधिकार ही नहीं है हम लोग जा रहे हैं गिड़गिड़ा रहे हैं बेचारे फंस रहे बिल्कुल झूठे केसेस में तो फिर उनकी मेंटल हेल्थ जो है दैट टेक्स अ कंप्लीट कंप्लीट टॉस अभी इंदौर की एक फैमिली को मैं हेल्प कर रही हूँ गौरव हाड़ा करके उन्नीस साल का लड़का था इतना यंग बेचारा वो रिलेशनशिप में था ग्यारह महीने से एक महिला एक लड़की के साथ वो लड़की बकायदा व्हाट्सएप के चैट्स जो है हम लोगों ने पब्लिक किए उसमें कह रहा कह रही है उसको कि तुम मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाओ ये मना कर रहा है उसके बाद ये कहती है कि मान मान जाओ किसी बात पे उनकी आर्ग्यूमेंट हो गई मान जाओ तुम्हारे को पता है कि मैं लड़की हूँ हरासमेंट का केस लगा दूंगी और इवेंचुअली वो वही करती है पुलिस स्टेशन में जाके गौरव के खिलाफ रेप की शिकायत देती है और वहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर उसके परिवार से पाँच लाख रुपए उससे मांगे जाते हैं गौरव के पिताजी जो है वो ठेला लगाते हैं सब्ज़ी का कहाँ से वो पाँच लाख बेचारे लेकर आएंगे उसी रात गौरव जो है सुसाइड कर लेते हैं अब वो लड़की भी बाहर है उसकी माँ भी बाहर है क्या बोला जाता है कि ये महिला है ये कोई मतलब थोड़ी ना होता है फिर जब आप इतना ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है फिर सवाल तो उठेंगे वो सवाल सवाल उतने नहीं उठ रहे हैं जितने उठने चाहिए अभी बट उसका कारण यही है स्मृति कि आज भी महिलाओं के साथ जिस नंबर्स में गलत होता है वो नंबर्स अभी पुरुषों के हैं नहीं बहुत कम है उससे तो इसीलिए समाज का ज़्यादा जो एम्पथी है या ज़्यादा जो रेस्टलेसनेस है वो आज भी ऑब्वियसली महिलाओं के लिए और मैं बिल्कुल उस इमोशन को समझ भी सकती हूँ लेकिन आ, और उस इमोशन को आ, किसी भी तरह से गलत कहना आ, सही भी नहीं और मैं कभी कहती भी नहीं हूँ लेकिन बस मैं ये कहती हूँ कि अगर उसी तरह से जो महिलाओं के साथ गलत हो रहा है वो पुरुषों के साथ गलत हम होता हुआ देखते हैं तो मुझे लगता है कि इन कहानियों को इन जो आप बीती हैं उनको समाज को देखने की ज़रूरत है बट मीडिया भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है अब ये बॉम्बे की दो इतनी पेनफुल स्टोरीज़ हैं कहीं पे कोई ज़िक्र नहीं है आप ये बात मानेंगे क्योंकि मैंने पूरे ये केसेस जो आपने इंसिडेंट शेयर किए कहीं ना कहीं एक जो हमारी जो कॉन्वर्सेशन चल रही है उससे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो एडल्टरी है लिव इन रिलेशन्स हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है क्या उसके कारण पुरुषों के साथ गलत होना बढ़ गया है? आ, मेरी जो फ़ाउंडेशन है एक न्याय फाउंडेशन उसका हम लोग फर्स्ट uh, रिपोर्ट जो है वो एक रिसर्च रिपोर्ट जो है रिलीज़ करने वाले हैं और थ्रू माई ऑर्गेनाइजेशन मैं uh, बहुत ही कॉन्शियस हूँ और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ कि हम रिसर्च फील्ड में uh, कुछ ऐसे काम करें जो किसी ने नहीं करें और ख़ासकर हुए भी नहीं है जहाँ पे इंडिया में पुरुषों के ऊपर रिसर्च की बात आती है तो वो मैं अगर उसको जिल्च बोलूँगी या नील बोलूँगी तो कोई दो राय नहीं होगी कोई कोई रिसर्च रिपोर्ट्स नहीं है कुछ कुछ पुरुषों के साथ क्या हो रहा है क्या होता है क्या प्रॉब्लम्स हैं इसके ऊपर कोई काम नहीं करता है कोई रिसर्च नहीं करता है तो एकमन्या फाउंडेशन के थ्रू हम लोग अपनी एक फर्स्ट रिपोर्ट रिसर्च रिपोर्ट रिलीज करेंगे आने वाले दोनों में 2023 में 310 मर्डर हुए आदमियों के जो उनकी पत्नियों ने करे अपने प्रेमी के साथ मिलके हम्म तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मेरा जी, जो पहला पॉइंट है वो यहां पे टिक होता है बिल्कुल बिल्कुल ब्रूटल मर्डर्स कहीं पे बॉडी के पार्ट्स कर दिए कहीं पे जिंदा उनको जला दिया कहीं पे गला घोट दिया और उसके बाद ये दिखाया कि इसको तो करंट लग गया है कहीं पे बॉडी को घर में गाड़ दिया और महीनों तक पता ही नहीं चला कहीं पे मर्डर करवा दिया कॉन्ट्रैक्ट किलर से तो बड़े बड़े मतलब ये तीन सौ दस जो कहानियां हैं अपने आप में हर एक जो है एक्सेप्शनल केस है और मेजॉरिटी जो केसेस हैं उसमें महिला ने अपने पुरुष मित्र के साथ जो है अपने हस्बैंड का सफाया करवा दिया उसके बाद लगभग 500 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे पुरुषों ने आत्महत्या कर ली अलग अलग कारणों के वजह से उसमें भी अडल्ट्री टॉप है लगभग सवा दो सौ केसेज हैं पाँच सौ में से जहाँ पे अडल्ट्री की वजह से पत्नी की अडल्ट्री की वजह से पुरुष ने अपने आप को खत्म कर लिया तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अडल्ट्री जो है समाज में अनरेस्ट ला रहे हैं ये कहना बहुत आसान है कि ये सिविल ऑफेंस है हम लोग एक सोसाइटी ऐसी हैं जहाँ पे पहले इसको क्राइम समझा जाता था लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया आ, उसके ऊपर रैशनैले जो भी रहा होगा लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी कोर्ट्स को उसके आफ्टर मैथ्स जो हैं और मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही कि महिलाएं अडल्ट्री करती हैं पुरुष भी अडल्ट्री करते हैं बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो जिनकी इस वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है तो मुझे लगता है ज़रूरी है एक बार सोचना समझना कि हमारी इंडियन सोसाइटी में अडल्ट्री के ऑफेंस को डिक्रिमिनलाइज कर देना सही था या नहीं था क्या उसको जेंडर न्यूट्रल बना देना चाहिए था आ, क्या उसको जो इंसान गलत कर रहा है उसी को आप एक छोटा सा पेनल्टी या फ़ाइन अगर रखें लेकिन एकदम सिरे से उसको आज के टाइम पे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे शादीशुदा लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और अदालत में जाके प्रोटेक्शन मांग रहे हैं कि हमारे को प्रोटेक्ट करो शादीशुदा आदमी है उसकी पत्नी और बच्चे हैं वो लिव इन में रह रहा है किसी महिला के साथ और वो दोनों जाके कोर्ट में प्रोटेक्शन मांग रहे हैं या महिला है शादीशुदा महिला है वो आ, आ, लिविन में जाके रह रही है ऐसी भी केसेस हैं जहाँ पे शादीशुदा महिला है लिविन में रह रही है और मेंटेनेंस अपने पति से मांग रही है हु, ये भी मेरा तो, एक क्वेश्चन तो, तो मतलब अजीबो गरीब मतलब हम लोग ताना बाना बना रहे हैं अपने समाज का और ये सोचना कि क्राइम्स जो है इस चीज की वजह से नहीं होंगे ये बहुत गलत है मतलब मैं इन के बारे में भी आपसे डेटा पूछूंगी क्योंकि एक कंसेंशुअली जो एक लड़का और एक लड़की एक साथ रहने लग जाते हैं क्या वो भी क्राइम रेट को बढ़ाने है? क्योंकि बहुत सारे केसेस आए हैं मेरे पिछले जो इंटरव्यूज़ हुए उसमें मैंने बहुत क्लियरली जिन चीज़ों को अंडरलाइन किया है बहुत कॉमन है इन के जो क्राइम केसेस हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनंट क्या इसकी वजह से भी पुरुष बहुत वल्नरेबल हो गए हैं लिव इन रिलेशनशिप्स में आने की वजह से फिर मैं डेटिंग ऐप्स पे आऊँ स्मृति <laughs> मुझे लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप्स की वजह से पुरुष वेलरेबल नहीं हो गए हैं लिव इन रिलेशनशिप्स की वजह से शादी एज एन इंस्टीट्यूशन वैलरेबल हो गई है लोग शादी ज्यादा मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो अब शादी नहीं करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका रीज़न मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये है कि जो डिवोर्स है वो इतना मुश्किल है शादियों में इतने पचड़े हो गए हैं कि लोग सोचते हैं कि पहले एक बार अपनी अंडरस्टैंडिंग देख लें उसके बाद शादी में हम लोग जाएं लेकिन जहां पुरुषों की वलनरेबिलिटी आती है वो यहां पे आती है कि लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे दो व्यस्क लोग दो अडल्ट लोग अपनी इच्छा से जाते हैं और मूव इन मूव आउट काइंड ऑफ रिलेशनशिप है कि बनी तो ठीक है और अगर नहीं बनी तो ओके टाटा बाय बाय लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं हो रहे हैं जहाँ पे अपनी सहमति से सब कुछ हुआ लेकिन उसके बाद जो है पुरुष के ऊपर रेप का केस लगा दिया गया ये कहते हुए कि इन्होंने तो मुझे शादी का झांसा देके Uh, मेरे साथ रेप किया है और uh, बचाया कि वो लिव इन रिलेशनशिप में थी बजाय कि सब कुछ सहमति से हुआ हो लेकिन उसके बाद पुरुष के ऊपर जो है ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है अभी एक बड़ा पॉपुलर सा केस बॉम्बे से ही दोबारा से आया था जहाँ पे एक आदमी के ऊपर रेप का एलिगेशन लगाया महिला ने जो uh, जिसका एक बच्चा भी है तो आप समझ सकते हैं कि वो इमिच्योर नहीं है वो समझ सकती है अपनी uh, अच्छाई बुराई के बारे में uh, समझ सकती है अपनी कंसेंट के बारे में समझ सकती है किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना है या नहीं बनाना है उसके बारे में समझ सकती है लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में जाती है फिर इस बंदे से पच्चीस लाख रुपये की डिमांड करती है और फिर वो जब नहीं उसको अग्री करता है तो रेप केस लगा देती है तो इन जनाब के एडवोकेट ने जो है कोर्ट में फिर एक लिव इन अग्रीमेंट दिखाया कि ये देखिए जनाब इनके बीच में प्रॉपर एक लिव इन अग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ हुआ है और ये रेप का मैटर नहीं है कंसेंशल रिलेशनशिप का मैटर है तो बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे इन में या कंसेंशुअल अफेयर्स के बाद जो है आदमी के ऊपर रेप का झूठा एलिगेशन लगा दिया जाता है ये भी है और क्योंकि इन में ऐसे भी केसेस आए हैं जैसे श्रद्धा वॉलकर का केस भी है ऐसे भी केसेस सामने आए हैं सावित्री वही मुंबई का ही केस है कि अपने फादर की उम्र के साथ वो इन में रह रही तो मुझे लगता है कि एज अ सोसाइटी ये बहुत सारी विंडो दे देती है एक क्राइम को होने के लिए कि एक क्राइम पॉसिबल है अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो एक हाई लेवल ऑफ क्राइम की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और वनरेबिलिटी कोर्स एज इंडिविजुअल्स बढ़ जाती है किसी भी सिचुएशन के लिए अब जैसे इतने केसेस हुए हैं जैसे आपने एलिमनी के बारे में भी बोला है कि वो मैं भी बात करती हूँ पहले मैं बात कर रही हूँ कि शादी में एक, अगर एक महिला है एक पुरुष है पुरुष के साथ वर्बल अब्यूज़ हो रहा है कई बार फिज़िकल अब्यूज़ हो रहा है केसेस आए हैं सामने सा, चाहे फिर वो एम्बर हर्ट और जॉनी डेप का केस और बड़ा इंटरनेशनल केस है इनिशियली ये था कि एम्बर हर्ट विक्टिम है उसके साथ गलत हुआ लेकिन आ, फिर भारत में हुआ शिखर धवन वाला पूरा केस आया फिर मोहम्मद शामी का केस आया तो अगर ऐसा होता है कि घर में एक वर्बल या फिज़िकल अब्यूज़ होता है पहली बात यह है कि एज़ अ सोसाइटी हम समझना चाहेंगे कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि एक पुरुष के साथ भी फिजिकल अब्यूज़ हो सकता है उसके साथ भी मारपीट हो सकती है अभी तक तो ये बात हो गई कि फेक रेप केसेस और तो इनकी बात हो गई लेकिन मैं आती हूँ अब्यूज़ के ऊपर मेंटल अब्यूज़ फिजिकल अब्यूज़ वर्बल अब्यूज़ सोसाइटी इसको एक्नॉलेज नहीं करती है मजाक उड़ाना कि अरे तुम अपनी पत्नी से मार खाते हो हमारे पास ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं इस प्रति क्योंकि महिला तो जो अगर सिर्फ बोल दे उसको मान लिया जाता है लेकिन पुरुष एविडेंसेस भी दिखा दे तो भी उसको सुनवाई नहीं हो पाती है या उसको समझा नहीं जाता है तो हम तो सब पुरुषों को बोलते हैं कि भाई आपका अगर आप किसी भी दिक्कत में हैं तो आपका सबसे बड़ा साथी जो है वो एविडेंसेस है अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए और ये प्रूव करने के लिए कि आपने कुछ गलत नहीं किया है या ये प्रूव करने के लिए कि आपके साथ गलत हो रहा है आप अगर सिर्फ बोलेंगे तो आपको कोई नहीं सुनेगा आपके सिर्फ सबूत बोल सकते हैं तो सबूत गैदर कीजिए तो बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो वीडियोस शेयर करते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग्स शेयर करते हैं जहाँ पे उनको कुत्ता कमीना दुनिया भर की गालियाँ उनकी माँ को उनके पिताजी को गालियाँ थप्पड़ कुछ भी उठाया हाथ में से मार दिया तो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वो करके भेजते हैं तो उसको सुन के समझ में आता है कि वहाँ पे एकचुअल में क्या हो रहा होगा वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आती हैं जहाँ पे चाकू दिखा रही है वो कि मैं तेरे साथ ये कर दूँगी ठीक है ना और वो बकायदा उसको पता भी है कि वीडियो के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह की चीज़ें कोई भी इंसान थाने में लेकर जाता है तो वही है पुलिस का एटीट्यूड रवैया वही रहता है कि भाई देख ऐसा है हम मान सकते हैं कि तेरे साथ गलत हो रहा है क्योंकि तू तो ये सब कुछ हमें दिखा रहा है लेकिन अगर वो आएगी और तेरे ऊपर कंप्लेन कर देगी तो हमारे को उसकी कंप्लेन लेने पड़ेगी तेरे पास कोई कानून नहीं है तो डोमेस्टिक वायलेंस इज़ अ हार्श रियलिटी ऑन मेन इन इंडिया स्मृति एंड इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक तो बहुत सारे लोग हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस आदमी हैं जो अपने ही घरों में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहे हैं और उससे भी ज़्यादा दिल को बड़ा परेशान करने वाली बात यह है कि अगर वो अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश भी करते हैं ना तो उनको हज़ार बार सोचना पड़ता है क्योंकि उनके पास तो कानून है नहीं लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ़ एक डिवोर्स भी फाइल किया क्रोअल्टी के ग्राउंड्स पे तो उधर से जो लेडी है वो दहेज डोमेस्टिक वायलेंस 125 सौ पच्चीस फोर नाइन्टी एट ए डी सिर्फ आपके ऊपर नहीं आपकी फ़ैमिली के ऊपर भी आपके बहन भाइयों के ऊपर भी आपके डिस्टेंट रिलेटिवस के ऊपर भी जो है इंस्टीट्यूट कर देगी तो डू यू रियली वॉन्ट टू यू नो टेक अ चांस बट फिर भी हम लोग बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि वंस यू हैव सफिशेंट एविडेंस प्लीज़ मूव आउट अपने आप को इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से एक वायलेंट रिलेशनशिप से प्लीज़ निकालिए क्योंकि बहुत फिर ये इंक्रीज़ ही होता जाता है डिक्रीज नहीं होता है एंड बिफोर समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट हैपन्स हम कहते हैं कि आप प्लीज़ उस रिलेशनशिप से निकल जाइए जो भी रेपिकॉशंस होंगे वो देखेंगे साथ में झेल लेंगे लेकिन कम से कम इससे तो थोड़ी पीसफुली सिचुएशन होगी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन नहीं होगी